जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस करना है वो है डेरिवेशन ऑफ लास्ट वाला लॉ है, डेरिवेशन ऑफ ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम लॉ ऑफ लॉ ऑफ डिफ्यूजन। कहां से करना है जी? फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। काइनेटिक इक्वेशन को यूज करना है, उससे आपने प्रूव करना है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। काइनेटिक इक्वेशन, काइनेटिक इक्वेशन से आपने इसको प्रूव करना है। अच्छा, ग्राहम लॉ क्या कहता था? उसने एक बात कही, उसने कहा जी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अब ये जो चीज रेट क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन और इफ्यूजन, ये क्या होती थी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये उसने बात कही थी। और अभी एक बात याद रखिएगा, ये होता क्या है, एफ्यूजन या डिफ्यूजन होता है गैस के एक मॉलिक्यूल का दूसरी जगह पर चले जाना। गैस का एक मॉलिक्यूल का एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाने के अमल को, यानी कि जहां पे मूव करके जाएगा ना, उस मूव करने को हम कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं? इसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी है, जो भी चीज है उसके लिए हम या फिर रेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजों का मतलब सेम है। फिजिक्स के लिहाज से देखेंगे वहां भी इनका मतलब मुख्तलिफ हो सकते हैं। मतलब क्या है, जो स्पीड की एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सही है। अब स्टार्ट हमने कहां से करना है, वही काइनेटिक रेट इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे। वो क्या है हमारे पास, फ्रॉम काइनेटिक रेट इक्वेशन, फ्रॉम काइनेटिक रेट इक्वेशन, काइनेटिक रेट इक्वेशन को हमने इस्तेमाल करना है। चले, ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। इक्वेशन है हमारे पास पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्केयर बार या मीन स्केयर वेलोसिटी। अब यहां पे ये एम क्या है, एन क्या है, सी क्या है, मैं दोबारा फिर बता देता हूं आपको। ये चीजें आपने फिर एक दफा जहन में रिवाइज कर लें। एम क्या है, इस एक मॉलिक्यूल का मास। एन क्या है हमारे पास, जितने भी इस गैस के सिलेंडर के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैंने सपोज कर ले, ये है हमारे पास एन। बस इस पे आपने सुजन गौर करना है। सही, इसकी तादाद कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, मतलब 10 भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, 20 भी, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, करोड़, जितने मर्जी कह लें। अगर मैं कहूं कि एन की वैल्यू हमने सपोज कर लेते हैं 6.02×10^23, तो फिर सपोज ही करनी है ना, सपोज कर ले इतनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एन नहीं लिखेंगे, फिर क्या करते हैं हम, इसके लिए एक स्पेशल वर्ड लिखते हैं एन। एवोगैड्रोस नंबर है ये वाला, असल में है क्या, एवोगैड्रोस नंबर। सबसे पहला काम हमने यही सपोज करना है कि सपोज करें ये वाली चीज जो एन है ये हमारे पास क्या है, एन ए के बराबर सपोज किया है। अब देखें, कोई भी लॉ प्रूव करना पड़ता है वो खुद कुछ चीजें सपोज करता है। सही है। अब उसने सपोज कर लिया ये जो एन है ये एन ए के बराबर है, किसके बराबर है, एन ए के बराबर। चले जी, मैंने कर लिया सपोज एम एन ए सी स्क्वायर बार। अच्छा, आपने एक मोलर वॉल्यूम टर्म पढ़ी होगी, मोलर वॉल्यूम का मतलब समझिएगा। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम होता है, मोलर का मतलब क्या है, मोल। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि एक, सॉरी, मोलर मास लिखना था, मोलर मास, एक मोल का मास। ये क्या है, मास का मतलब मास ही होता है, उधर मैं लिखूंगा एक मोल का मास, मास ऑफ वन मोल, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, मोलर मास। नाम से जाहिर हो रहा है मोलर मास, एक मोल का मास। अच्छा, एक मोल जो डेफिनेशन हम बार दफा करते हैं मोल की, वो ये भी करते हैं हम, द सब्सटेंस, ये मैं लिखवा चुका हूं, मैं एक दफा लिख देता हूं, द सब्सटेंस हैविंग, जो रखे, द सब्सटेंस हैविंग
6.02 × 10⁻²³ नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखूंगा सिंपल. पार्टिकल्स इज कॉल्ड वन मोल. ये वाली चीज हमारे पास क्या होगी, एक मोल होगी. सही हो गया. अब देखिए मुझे मोल तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मोलर मैस. अब देखिए एक मॉलिक्यूल का मैस ये है m1 m है. अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने हैं तो किस तरह निकालूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास mn आ जाएगा टोटल मैस. और जिसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल उसको हम क्या कहते हैं, ये उस चीज का एक मोल है. क्या ये वाली चीज मोलर मैस होगी, मोलर मैस. एक मोल का मैस mn होता है भाई, इतनी बात याद रखिएगा. क्या हुआ कि हमने सपोज किया, ये देखें ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, जिसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एवोगैड्रोस नंबर है, जिसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो वन मोल के बराबर होगा. हमें कौन सी चीज चाहिए, मोलर मैस, एक मोल का मैस. अब मुझे एक मोल का पता है जी, एक मोल एन ए का बराबर है. अब मैं मैस निकालना चाहता हूं, मुझे पता है एक मॉलिक्यूल का मैस एम होता है. मोलर मैस किसके बराबर होगा, आप एम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास एम एन है, मोलर मैस. अच्छा मोलर मैस को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम क्या करते हैं, ये मैं यहां पर लिख भी देता हूं, मोलर मैस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैपिटल एम से. किससे, कैपिटल एम से. ये बराबर होगा एम एन ए के, यहां पे एम एन ए है, यहां पे ये चेक करें, ये वाली चीज एम एन ए है ना. आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ एम रख सकते हैं, इसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ एम रिप्लेस कर सकते हैं. चलिए मैंने यहां पे एम रिप्लेस कर दिया, सही हो गया. अब ना एक चीज याद रखिएगा, मैं यहां पे साइड पे लिखता हूं, अभी जो डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, एम ओवर. ये बात आपने जहन में रखनी है. अभी क्या आपको कहीं पे एम और वी नजर आ रहे हैं, ये मेरे पास वी है, ये एम है. इनको ना किसी तरीके से आप एम और वी की फॉर्म में ले गया है. क्या मैं इसको उठा के अगर इस साइड पे इसके नीचे लेके जाऊं, क्या एम और वी बन जाएगा. तो पहला काम ये करें ना कि इनको एम और वी की फॉर्म में लेके आए, क्योंकि मैं लेके जाना चाहता हूँ किसी तरीके से यहाँ पे डेंसिटी आ जाए, क्योंकि मैं ये वाली चीज प्रूव करना चाहता हूँ इसके लिहाज से, इसलिए इसको डेंसिटी की फॉर्म में लेके जा रहा हूं. और ये मेरे पास बन जाएगा 1/3 एम ओवर वी सी स्क्वायर बार. अब मुझे पता है कि जो एम और वी है ये बराबर होता है, एम और वी बराबर है डेंसिटी के. किसके बराबर होता है, ये आप फिजिक्स के अंदर बड़ी दफा पढ़ चुके हैं डेंसिटी का फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू एम ओवर वी, मास पर यूनिट वॉल्यूम. अब इसकी जगह आप डी रखें, डी इज इक्वल टू 1/3 डी सी स्क्वायर बार. सही है. अब आपने क्या करना है, ये वाली चीज है क्या, किसी को पता है इसके बारे में, ये हमारे पास स्पीड है, ये पानी लेके आए, ये क्या हमारे पास स्पीड है. चेक करें ये वाली, हम क्या कहते हैं जी, स्पीड हो, वेलोसिटी हो या रेट हो, ये चीजें टर्म बराबर बराबर है. सही है, हमें पता है कि ये स्पीड है. मैं इसको डेंसिटी के साथ कोई कंपैरिजन करवाना चाहता हूं, क्या करवाना चाहता हूं, डेंसिटी के साथ. आप क्या करें, इसको एक साइड पे रखें, एक साइड पे रख दिया, बाकी चीजें क्या बनेगी, ये वाली चीज इस साइड पे 3p/d, क्या ये सही बना है, 3p/d. अब यहां पे ये चेक करें, 3p मैं इस साइड पे ले गया, डी इसके नीचे चला गया. अब आपने जो चीज यहां से देखनी है, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लें, क्योंकि मुझे यहां पे चाहिए सिर्फ और सिर्फ रेट, मुझे क्या चाहिए यहां पे, सिर्फ और सिर्फ रेट चाहिए, रेट का स्केयर नहीं चाहिए, रेट का स्केयर नहीं चाहिए. तो आप क्या करें, यहां पे क्या है, स्पीड का स्केयर है. तो आप क्या करें, दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लें, बाय टेकिंग स्केयर रूट. देखिए आपने ना खुद लेके जाना होता है वहां तक. तो ये आपको जो चीज चाहिए आपने एक प्रोसीजर के तहत उसको वहां तक लेके जाना है.
उस साइंसदान ने यही काम किया है कि सारा आपने प्रोसीजर के मुताबिक टू द पॉइंट बात करता था, सही है। अब यहां पे इसने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइडों पे, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सिर्फ सी थ्री पी ओवर डी, और यहां पे क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये जो प्रेशर है इसकी कंडीशन क्या थी, ये हमने कहां पे कर रहे हैं, एसटीपी, एसटीपी मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर मतलब क्या है, कांस्टेंट है, वहां पे क्या था कांस्टेंट है, प्रेशर क्या चीज है हमारे पास, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ठीक है जी, मान लिया प्रेशर कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट को थोड़ा सा अलग करें फिर चेक करते हैं, ये बन जाएगा C इज इक्वल टू 3P, इसके ऊपर भी अंडर रूट आएगा और बाकी जो चीज बचेगी 1 बाय आगे इस तरह इक्वल नहीं आएगा, इसके आगे लिखना है 1 बाय अंडर रूट डी, यानी कि मैंने अलग-अलग कर दिए, सही है, ये दोनों चीजें मैंने अलग-अलग कर, इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही चीज दोबारा फिर आएगी, यही चीज दोबारा फिर आएगी। अच्छा आपको एक बात का पता होना चाहिए, अगर मैं इसको लेके जाऊं, ये चीज सीखते जाइएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डी कहते हैं, अगर मैं इक्वलिटी में लेके जाता हूं तो क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट इक्वल के साथ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा 1 ओवर डी। अगर मेरे पास ये दो चीजें हो क्या मैं इसको पीछे की तरफ लेके जा सकता हूं, बाजार बात लेके जा सकता, अगर मेरे पास कोई चीज कांस्टेंट हो ना, कोई भी कांस्टेंट हो और इक्वल हो, उसको मैं प्रोपोर्शनैलिटी में लेके जा सकता हूं। आप चेक करें ये वाली चीज क्या है हमारे पास, आपने इसके ऊपर इस तरह दायरा लगाना, ये वाली चीज हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कहां पे, एट कांस्टेंट टेंपरेचर और प्रेशर पे, आपने दायरा नहीं लगाना, आपने सिर्फ सिंपल लिखना है, सही हो गया। अब इन दो को मिला के कांस्टेंट है इक्वल है तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डी, और यहां पे मजीद आगे थोड़ा सा जाके आपने ये बता देना है कि जो R और C जो होते हैं बराबर होते हैं, बस सिंपल ये बताइएगा क्यों बराबर होते हैं, वो आपको पता है जो रेट स्पीड और वेलोसिटी मैंने पहले दिन बताया था, जो रेट होते हैं स्पीड ही है, सही है, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं R और C, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। अब देखिए एक चीज है, मैं कहता हूँ जी दो बराबर है, दो मैं कहता हूँ आगे इसको बढ़ाया तो क्या हुआ, अगर एक को बढ़ा रहा हूं दूसरा क्या होता जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है, क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि आप इसकी जगह आप इक्वल भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं, दोनों बातें ही कर सकते हैं। अच्छा अब मैंने क्या किया है जी, यहाँ पे आर लिख के आगे मैंने यह काम कर दिया, बस काम खत्म हो गया, यही हम प्रूव करना चाहते थे, यही ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन है, बाकी चीजें इस साइड वाली आपने यहाँ पे नहीं लिखने, सही हो गया। अब एक दफा ये थोड़ा सा सुन लें, इस साइड पर काफी चीजें लिखी हैं, ये आपने एक लफ्ज भी याद नहीं करना, मेन चीजें ये वाली हैं, मेन चीजें ये वाली हैं, ये हमारे पास क्या जी कहता, हमने काइनेटिक रेट इक्वेशन से यूज करते हुए ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन का प्रूव करना है। सबसे पहले एम एन याद रखिए, ये एम एन सॉरी एन को हमने कहा जी सपोज किया एवोगैरोस नंबर है, जो हमने एक बॉक्स के अंदर बंद किए हुए हैं, वो एक मोल के बराबर गैस है, उसमें एवोगैरोस नंबर है, वो हमने यहाँ पे लिखा, हमने कहा जी मोलर मास बराबर होता है एम एन ए के बराबर, आपने एम एन ए की जगह सिर्फ क्या किया एम को प्लेस कर दिया, नेक्स्ट काम में क्या किया, मुझे पता है जो डेंसिटी होती है वो एम और वी के बराबर होती है, मैं एम और वी को किसी तरीके से एम और वी के फॉर्म में लेकर, एक एम था वी था, तो मैंने इसकी जगह पे क्या किया डेंसिटी पुट की, मुझे पता है सी क्या है वेलोसिटी है, मैंने सी को एक साइड पे रखा, बाकी सारी चीजें एक साइड पे ले गया, लास्ट तक मैंने सिर्फ यही काम किया जो स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेके सी की जगह पे मैंने क्या किया आर लिख दिया, सी की जगह पे आर लिखा और मैंने कहा जी आर इज इनवर्स या रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, इट इज अ ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, यही आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।